डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फोर का इंग्लिश बुक है, चैप्टर 11, और इस चैप्टर का नाम है स्वामी विवेकानंद। अक्सर ही आप देखते होंगे कि शिशु मंदिर के बुक में ज़्यादातर सभी क्लास में स्वामी विवेकानंद के बारे में दिया ही रहता है, तो फिर से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अदर क्लास में भी है, फिर भी पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़कर देखते हैं क्या दिया हुआ है इनके बारे में। नरेंद्र नाथ दत्ता बिकेम फेमस एज स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863 एट कलकत्ता। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। तो पहले स्वामी विवेकानंद को बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था। इट वॉज द डे ऑफ एन इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल, मकर संक्रांति। और यह दिन, जिस दिन इनका जन्म हुआ था, वह हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उस दिन ही इनका जन्म हुआ था, 12 जनवरी को। हिज फादर विश्वनाथ दत्ता वाज ए फेमस लॉयर। और उनके पिताजी विश्वनाथ दत्ता, तो इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्ता था, उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्ता था, और वे एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। फेमस लॉयर मतलब प्रसिद्ध वकील। हिज मदर भुवनेश्वरी देवी, उनकी माता भुवनेश्वरी देवी जो है वो क्या थी, वाज ए रिलीजियस वोमेन। वह एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, वह पूजा पाठ करती रहती थी, पूजा पाठ पे विश्वास करती थी ज़्यादा। आगे यहाँ से दिया हुआ है, फ्रॉम एन अर्ली एज नरेंद्र वाज नेदर फियरफुल नॉर सुपरस्टिटियस। तो यहाँ पे बतला रहा है कि नरेंद्र वो पहले से ही, बचपन से ही वो ना तो किसी से डरता था, किसी चीज़ से डरता था, और ना ही किसी अंधविश्वास पे वो विश्वास करता था। He liked to play with his friends on a champa tree. वह अपने दोस्तों के साथ एक चंपा ट्री में खेलना पसंद करते थे। चंपा ट्री belonging to a neighbor, जो कि पड़ोस में ही था। He used to pluck flowers. वे उससे फूल तोड़ा करते थे। Once the owner of the tree told his friends. एक बार उस पेड़ का मालिक जो है वो आ जाता है और उनके दोस्तों को क्या बतलाता है, दैट ए घोस्ट लिव ऑन द ट्री। और वह उन लोगों को बतलाता है कि इस पेड़ पे एक भूत रहता है। इफ़ दे डिस्टर्ब हिज पीस ही वुड रिंग देयर नेक्स। अगर वे लोग उसके शांति को भंग करता है, मतलब उसको परेशान करता है, तो वह निकल के उन लोगों का गर्दन मरोड़ देगा। इस तरह से वो उन लोगों को डरा देता है, उसके दोस्तों को डरा देता है। अब आगे क्या होता है, हिज फ्रेंड्स वेयर फ्राइटन। उसके दोस्त डर गए, उस ऑनर का बात, पेड़ के मालिक के बात को सुनकर डर गए। बट नरेंद्र परसुडेड देम टू फॉलो हिम। लेकिन नरेंद्र ने उन लोग को आश्वस्त किया और कहा कि तुम लोग मेरे साथ आओ। ही क्लाइम्ब द ट्री एंड ब्रोक सम ब्रांचेस। वह पेड़ पर चढ़ गया और कुछ डालियों को तोड़ दिया। Then he said, और फिर उसने कहा, my neck is still here, कि मेरी गर्दन तो अभी तक यहीं पे है। That man's story is not true, उस व्यक्ति का कहानी सही नहीं था। Don't believe what others say unless you know it to be true, किसी भी व्यक्ति पे आप विश्वास तब तक ना करो जब तक कि आप स्वयं सच्चाई को ना जान लें। नरेंद्र वाज क्यूरियस अबाउट गॉड, नरेंद्र भगवान के बारे में बहुत ही जिज्ञासु था, उसके बारे में जानना चाहता था। ही मेट मैनी सेंट्स बट दे कुड नॉट सेटिस्फाई हिम। वे बहुत सारे संतों से मिले, बहुत सारे ऋषियों से मिले, लेकिन कोई भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया। वंस ही मेट रामकृष्ण परमहंस, एक बार वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। नरेंद्र आस्क्ड हिम, और नरेंद्र ने उनसे पूछा, हैव यू सीन गॉड, क्या आपने भगवान को देखा है। विदाउट एनी हेजिटेशन रामकृष्ण रिप्लाइड, बिना किसी हिचकिचाहट के रामकृष्ण जवाब दिए, यस आई हैव सीन गॉड, कि हाँ मैंने भगवान को देखा है। आई सी हिम एज आई सी यू, कि मैंने उसे देखा है ठीक उसी तरह से जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। गॉड कैन बी सीन, गॉड को देखा जा सकता है। वन कैन टॉक टू हिम, कोई व्यक्ति जो चाहे उससे बात कर सकता, बट हु केयर्स फॉर गॉड, लेकिन भगवान के बारे में कौन सोचता है। हु वीप्स फॉर द विजन ऑफ गॉड, भगवान को देखने के लिए कौन रोता है, मतलब किसकी इच्छा है कि वो भगवान को देखना चाहता है।
इफ़ वन क्राइज सिंसियरली फॉर गॉड, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक भगवान के लिए काम करता है, मतलब भगवान को देखना चाहता है, उसको खोजता है, वन कैन श्योरली सी हिम, तो निश्चित रूप से वो उसे देख सकता है। नरेंद्र वाज एस्टॉन्डेड, नरेंद्र चकित था, बिल्कुल वो अचंभित था। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज फेस टू फेस विद ए मैन हु हैड सीन गॉड, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई व्यक्ति सामने है और वह बोल रहा है कि उसने भगवान को देखा है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज हियरिंग दैट गॉड कुड बी सीन, ऐसा पहली बार है कि वह सुन रहा था कि भगवान को देखा जा सकता है। ही कुड फील दैट दिज वर्ड्स वेर अटर्ड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट, वह इन शब्दों को महसूस कर रहे थे कि ये वर्ड हृदय की गहराई से कहा जा रहा है। दे कुड नॉट बी डाउट, और उन पे वो बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते थे। रामकृष्ण टच नरेंद्र एंड ही एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, रामकृष्ण ने नरेंद्र को उसके शरीर को छुआ और उसको यह एक्सपीरियंस करवाया, इसको अनुभव करवाया कि भगवान यहीं प्रेजेंट है, यहीं पे मौजूद है। फ्रॉम दैट डे नरेंद्र बिकेम हिज डिसिपल, और उस दिन से नरेंद्र उनके डिसिपल मतलब शिष्य बन जाते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस वॉज गोइंग टू बी हेल्ड एट शिकागो इन अमेरिका, एक बार अमेरिका के शिकागो में धर्म सभा का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद वेंट देयर विदाउट इन्विटेशन, स्वामी विवेकानंद बिना किसी निमंत्रण के वहाँ पे चले गए। ही मैनेज टू गेट चांस फॉर एड्रेसिंग द पार्लियामेंट ऑन 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893 ईस्वी को उनको उस धर्म सभा को संबोधित करने का मौका मिला। व्हेन ही स्पोक द होल वर्ल्ड लिसन टू हिम सरप्राइजिंगली, जब वे बोल रहे थे तो पूरी दुनिया के लोग उनको आश्चर्यजनक रूप से सुन रहे थे, क्योंकि उस सभा में पूरी दुनिया के लोग मौजूद थे, आए हुए थे अलग अलग देशों से। स्वामी विवेकानंद प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ हिंदुज्म, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को प्रस्तुत किए। द यंग अननोन मॉन्क ऑफ इंडिया बिकेम ए फेमस फिगर ऑफ द रिलीजियस वर्ल्ड, युवा अज्ञात भिक्षु भारत के धार्मिक जगत के एक प्रसिद्ध हस्ती बन गए। न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड हिज स्पीचेज, समाचार पत्रों में उनके भाषण प्रकाशित होने लगे। हिज लाइफ साइज पोर्ट्रेट वेयर पोस्टेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ शिकागो, उनकी प्रतिमा शिकागो की गलियों में लगाया जाने लगा। पीपुल वुड वेट फॉर आवर्स टू लिसन टू विवेकानंद, लोग विवेकानंद को सुनने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। ही बिकेम द ग्रेटेस्ट रिलीजियस फिगर ऑफ द वर्ल्ड, वे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति बन गए। ही ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ हिंदुज्म, वे हिंदू धर्म के संदेश को फैलाने के लिए कई देशों में यात्रा किए। ही डेड ऑन 4 जुलाई 1902, 4 जुलाई 1902 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु काफ़ी कम उम्र में हुई थी, वो सिर्फ 39 ईयर्स के एज तक ही जीवित रह सके। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ न्यू वर्ड्स जो इस चैप्टर में आए हुए हैं, तो इसका मीनिंग जो है इंग्लिश में ही दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़कर ज़रूर याद करें। और आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हु बिकेम फेमस एज स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्रनाथ दत्ता बिकेम फेमस एज स्वामी विवेकानंद। तो आंसर जो है आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। और बी नंबर में दिया हुआ, व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन हिज फ्रेंड्स वेयर फ्राइटेंड, जब उसके दोस्त डर गए तो नरेंद्र ने क्या किया, ही क्लाइम्ड द ट्री एंड ब्रोक सम ब्रांचेस, वे लोग जो जिस पेड़ पे खेलते थे चंपा का पेड़ पे, तो वे उस पेड़ पे चढ़ गए और कुछ डालियों को तोड़ दिए। ही प्रूव दैट द ऑनर्स स्टोरी इज नॉट ट्रू, और उन्होंने यह साबित कर दिया कि जो ऑनर ने कहा था, उस पेड़ के मालिक ने, वो गलत कहा था। वट वॉज गोइंग टू बी, क्वेश्चन नंबर सी में वट वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन शिकागो, शिकागो में किस चीज़ का आयोजन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस वॉज गोइंग टू बी हेल्ड एट शिकागो, शिकागो में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर डी, व्हाई डिड विवेकानंद ट्रेवल टू मेनी कंट्रीज, विवेकानंद अनेक देशों में क्यों ट्रेवल किए थे। तो ही ट्रेवल टू मेनी कंट्रीज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ हिंदुज्म, तो वे हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए अनेक देशों में ट्रेवल किए थे। तो इस तरह का आंसर जो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू, ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे सही और गलत बतलाना है। तो क्या सही है और क्या गलत है यहाँ पे हम लोग पढ़कर देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद वाज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही क्या हुआ है, नरेंद्र नाथ वाज सुपरस्टिटियस, मतलब वे अंधविश्वास पे विश्वास करते थे तो नहीं करते थे, तो ये फॉल्स है, ये सही है, फॉल्स ही करना है। रामकृष्ण परमहंस वाज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ विवेकानंद, तो बिल्कुल ये सही है, स्वामी विवेकानंद के वे गुरु थे। उसके बाद विवेकानंद डिड नॉट गेट द चांस टू एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस, तो उनको जो है धर्म सभा में बोलने का चांस नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। तो यहाँ फॉल्स दिया हुआ है। स्वामी विवेकानंद स्प्रेड द मैसेज ऑफ हिंदुज्म, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का प्रचार किए, उन्हीं का मैसेज दिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो भी टिक लगा हुआ है सही गलत का, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट ऑप्शन पे यहाँ पे टिक लगाना है। स्वामी विवेकानंद फादर वाज ए लॉयर, यहाँ पे ये वन नंबर का आंसर हो जाएगा लॉयर, तो इसको हम लोग टिक लगा देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये वन नंबर का लॉयर। नरेंद्र एंड हिज फ्रेंड्स यूज टू प्ले ऑन द ट्री ऑफ, कौन से ट्री में खेलते थे वो, चंपा ट्री में खेलते थे, ये यहाँ पे हो जाएगा। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड एट शिकागो, शिकागो यहाँ पे है, तो इसको टिक कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद डाई ऑन 4 जुलाई 11 सितंबर, तो 4 जुलाई दिया हुआ है, तो 4 जुलाई होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो उससे क्वेश्चन बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सारा जो सेंटेंस है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, ये सही होगा व्हेन। और यहाँ पे क्लास डू यू रीड इन, तो इसका हो जाएगा विच, डब्ल्यू एच आई सी एच, यहाँ पे स्पेलिंग सही नहीं है, आपको स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, विच क्लास डू यू रीड इन। उसके बाद व्हाट यहाँ पे हो जाएगा, व्हाट इज योर नेम, और हु आर यू, ये सही है, हु आर यू, और डज मोहन लिव एट, वेयर, वेयर का स्पेलिंग यहाँ सही नहीं है, आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, वेयर डज मोहन लिव एट। उसके बाद हुज पेन इज दिस, हुज यहाँ पे लगेगा, सही है। उसके बाद हु डिस्कवर्ड इंडिया, हु डिस्कवर्ड इंडिया, ये सही है। व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू लाफिंग, ठीक है, ये सही होगा। उसके बाद आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर का स्पेलिंग यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ है, स्क्रीन पे मैं आपको दे दूंगा, वेयर आर यू गोइंग। डू यू गो टू स्कूल, व्हेन, डब्ल्यू एच ई एन, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। तो इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, यहाँ पे सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए कहा गया है, तो फुट का फीट हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे मैं लिख लिख कर दे दूंगा फीट। उसके बाद ओमेन, ओमेन का ओमेन ही होगा, सिर्फ ए की जगह पे ई लग जाता है। माउस का माइस हो जाएगा, गूज का गीज हो जाएगा, डबल ओ की जगह डबल ई सिर्फ लगेगा, और थिफ का थिप्स हो जाएगा, और टी एच आई वी ई एस थिप्स। उसके बाद लेडी का लेडीज हो जाएगा, एल ए डी आई ई एस लेडीज, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, मैंगो का मैंगोज, ई एस लग जाएगा इसमें, एक्टर का एक्टर्स, एक्टर्स सिर्फ इसमें एस लगेगा। उसके बाद बेंच का बेंचेस, ई एस लगेगा इसमें। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर यह वीडियो हम आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है जो सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करके रखिए। तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।